अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बना रहे हैं हैंड वॉश। इसके लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ये आप देखें, सबसे पहले हमको चाहिए शैम्पू बेस, उसके साथ हमको चाहिए सॉल्ट, फूड कलर, ग्लीसरीन एंड मिनरल वाटर। इसमें सबसे पहले हम 500 ml एक बाउल में पानी ऐड करेंगे। ये हमने इसमें 500 ml पानी ऐड करा और इसमें हम शैम्पू बेस डालेंगे। यहाँ हमारे पास शैम्पू बेस 3 टीस्पून है। शैम्पू बेस आपको किसी भी केमिस्ट शॉप से आराम से मिल जाएगी और ये कोई महंगी नहीं है। 100 रुपीज़ पाओ आपको, 100 या 150 रुपी पाओ आपको आराम से मिल जाएगी। इसमें से जस्ट हमने 3 टीस्पून यूज़ करें और ये थोड़ा स्टिकी सा पेस्ट होता है और आपको मिक्स करने में एटलीस्ट 7 to 8 मिनट्स लगते हैं इसको। और लेकिन इसको बिल्कुल आराम से आपने मिक्सअप करना है, ज़्यादा तेज़ विस्क नहीं करेंगे क्योंकि इसमें झाग बन जाएंगे और झाग नहीं बनने चाहिए इतने। तो आप इसको स्लोली स्लोली विस्क करते रहेंगे तो ये डिसॉल्व हो जाएगा। और इसमें हम सॉल्ट भी ऐड कर देंगे इसी भी फॉर्म में, क्योंकि सॉल्ट को भी डिसॉल्व होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसके साथ साथ सॉल्ट भी डिसॉल्व हो जाएगा। हम सॉल्ट इसमें हमने लिया है 1 टेबल स्पून सॉल्ट भर के। आप चाहें तो इसमें ज़्यादा सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। सॉल्ट इसमें जस्ट थिकनेस के लिए यूज़ किया गया है। ये आपने 1 टेबल स्पून भर के सॉल्ट ऐड कर दिया इसमें। इन दोनों को अच्छे से आप मिक्स करते रहेंगे। अब अच्छे से जब ये दोनों चीज़ें डिसॉल्व हो जाएंगी तो आपका ये सॉल्यूशन थोड़ा सा थिक हो जाएगा, जैसे आपके हैंड वॉश की फॉर्म होती है उस फॉर्म में आपको नज़र आएगा। आप इसको विस्क करते रहेंगे। इसको मिक्स होने में एटलीस्ट 7 to 8 मिनट्स आपको लगेंगे और थोड़ा सा ये चंकी सा हो जाएगा, लेकिन आप इसको विस्क करते रहेंगे तो ये आराम से डिसॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आपका सॉल्यूशन हो जाना चाहिए। इसमें सॉल्ट मैंने थोड़ा सा कम यूज़ करा है क्योंकि विंटर सीजन चल रहा है, तो ज़्यादा बच्चे हैंड वॉश करते हैं, थोड़ा सा ड्राई हो जाते हैं हाथ। आप चाहें तो थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत लो कॉस्ट आपको हैंड वॉश पड़ेगा। एटलीस्ट 40 to 50 में आपको ये हैंड वॉश पड़ जाएगा। इससे आपकी एक बॉटल रिफिल हो जाएगी आराम से। अभी जैसी सिचुएशन चल रही है कोरोना की, उसमें बच्चे बार 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 हैंड वॉश करते हैं और आराम से 2-3 बॉटल्स आपकी यूज़ हो जाती हैं। और आप ऐसे अगर घर में बना लेंगे तो ये बहुत लो कॉस्ट पड़ेगा और अच्छा भी है। आपके बच्चों के हाथ सॉफ्ट रहेंगे और उसमें ज़्यादा कोई केमिकल्स नहीं है। आराम से इजीली आपका घर में ये रेडी हो जाएगा। इसमें ग्लीसरीन भी हम इसीलिए ऐड कर रहे हैं कि आपके हाथ सॉफ्ट रहें, और बच्चे बार बार हैंड वॉश करते हैं उनके बच्चों के हाथ सॉफ्ट रहें। अब इसको मिक्स करते रहेंगे आप, मिक्स 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 मिक्स, अच्छे से ये मिक्सअप हो जाएगा। मिक्स 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 मिक्स, इसको अच्छे से डिसॉल्व हो जाइए। अच्छा सा डिसॉल्व करके एंड देन इसमें हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। बच्चों ने तो बहुत हैंड वॉश यूज़ करना होता है। अच्छे से इसको विस्क करते रहेंगे हम। अब हम कुछ टाइम बाद देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा हैंड वॉश बिल्कुल, इसमें शैम्पू बेस एंड सॉल्ट दोनों डिसॉल्व हो चुके हैं। थोड़े से इसमें झाग आए हैं विस्क करने से। ये भी आप इसको छोड़ेंगे 3 to 4 आवर के लिए तो ये डिसॉल्व हो जाएगा। अब हम इसमें बैठ जाएगा झाग। अब हम इसमें ग्लीसरीन ऐड कर रहे हैं 1 टेबल स्पून भर के। आपने इसमें ग्लीसरीन ऐड करनी है। ये हमने इसमें ग्लीसरीन ऐड करी है। इसको आप मिक्स कर लेंगे
एंड देन इसमें आप कोई भी अपनी मर्जी की फ्रेग्रेंस यूज़ कर सकते हैं, अच्छी सी कोई भी, हम लेमन, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, जो आप लोगों को पसंद हो वो फ्रेग्रेंस एंड फूड कलर आप वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। अभी हमारे पास लेमन फ्रेग्रेंस है तो हम इसमें थोड़ी सी वो ऐड कर रहे हैं। फ्रेग्रेंस आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं, कम और ज़्यादा जितनी आपको पसंद है, मतलब 1/2 टीस्पून आप इसमें कोई भी फ्रेग्रेंस ऐड कर सकते हैं। यहाँ हमने लेमन फ्रेग्रेंस ऐड करी है एंड देन इसमें हम फूड कलर ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें हम अब फूड कलर ऐड करेंगे। फूड कलर हमने यहाँ पर पाउडर फूड कलर लिया, आप चाहें तो लिक्विड फूड कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसमें ऑरेंज ½ टीस्पून ऑरेंज कलर डालें पाउडर फॉर्म में, लेकिन बेस्ट है कि आप पाउडर फूड कलर यूज़ कर लें। हमने इसमें ऑरेंज कलर यूज़ करा है, इसका देखेंगे इतना अच्छा सा कलर आ गया है, इतना अच्छा सा ऑरेंज कलर आ गया है। इसको आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये देखिए हम इतने अच्छा सा ऑरेंज कलर आ गया है इसका। मैं आपको साइड से भी दिखाती हूँ इसका कलर, बाउल के साइड से ये देखिए कितना अच्छा सा इसका ऑरेंज कलर आ गया है। इसको अच्छे से मिक्स करा एंड देन हम इसको 2 to 3 आवर छोड़ देंगे, इसमें झाग बैठ जाएंगे, फिर हम इसको कंटेनर में रिफिल कर लेंगे। चलें आपको हैंड वॉश करके दिखाते हैं। आप ये देखिए, ये मेरी बेटी आपको हैंड वॉश करके दिखाएगी। ये देखिए कितने अच्छे से झाग बन रहे हैं इसमें, ये देखिए आप अच्छे से हाथ क्लीन होंगे और सॉफ्ट भी रहेंगे ग्रीस की वजह से हाथ। ये देखिए